राजधानी भोपाल में लोक आयुक्त एओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने लोगों को मोटी रकम कमाने का झांसा देकर ठगी करने वालों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया कंपनी बनाई थी। इसके डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका शाश्वत पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट ने तमाम सबूत गवाहों के मद्देनजर रखते हुए आरोपियों दोषी करार दिया है। वहीं सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों को 5-5 साल के कारावास और कुल 35,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है। ईओडब्ल्यू के अनुसंधान अधिकारी सोफिया कुरैशी द्वारा की गई जांच और विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री की पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दरअसल वर्ष 2012 में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्टॉक गुरु डॉट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका शाश्वत ने उन्हें झूठे वादों के साथ लाखों रुपए का निवेश करने के लिए मजबूर किया। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि हर महीने उनकी जमा राशि का 20% वापस किया जाएगा और 6 महीने बाद पूरी राशि लौटाई जाएगी। आरोपी ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया नामक फर्जी फॉर्म बनाई थी और लोगों को इसे एक कंपनी बताकर भारी निवेश कराया। प्रारंभ में कुछ धनराशि लौटाई गई लेकिन बाद में उन्होंने निवेश की कई रकम वापस नहीं की। इसके अलावा आरोपी ने कूट रचित दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह साहब के न्यायालय द्वारा आरोपीगण लोकेश्वर देव और प्रियंका शाश्वत को लोगों के साथ धोखाधड़ी कर निवेश कर और अपने आप को छदम रूप से लोकेश्वर देव और प्रियंका शाश्वत बताने पर और लोगों के रुपए वापस न करने पर सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय द्वारा धारा 420 में 5 वर्ष, धारा 468 में 5 वर्ष, धारा 468 एक और दो लगी थी उसमें भी 5 वर्ष, धारा 409 में 3 वर्ष, धारा 406 में 3 वर्ष, इस प्रकार आरोपी गण पर कुल लगातार भुगतान की सजा दी गई है। एक के बाद एक सजा का भुगतान किया जाएगा। आरोपी लोकेश्वर देव पर कुल 21 वर्ष की सजा का भुगतान किया जाएगा। सर किस बात का जनता को प्रलोभन देते थे? आरोपी गण बताते थे कि हमारी कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो 1,000 रुपये लगेगा और मिनिमम राशि 10,000 रुपये से कितनी भी जमा कर सकते थे। उसमें एक प्रत्येक माह 20% राशि वापस करने का प्रलोभन दिया गया था और 6 माह में पूरी राशि वापस की जा सकती थी, लेकिन आरोपीगण द्वारा लोगों से लाखों रुपए का निवेश कराया और 1-2 माह 20% की राशि TDS काट कर दी गई। इसके बाद सारी राशि का गबन कर लिया था। सर ये पूरे प्रदेश के अलावा कहीं और भी इन्होंने गबन की शिकायत की? आरोपीगण द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा अन्य 10-12 राज्यों में भी इसी प्रकार का अपराध किया गया था। आरोपीगण द्वारा देहरादून, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सिक्किम आदि अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार का अपराध किया गया।